आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और बहुत जन बोलते हैं कि भैया रेलवे के लिए कोई बुक जो है वो सजेस्ट करिए, खास कर मैथ के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको दो बुक सजेस्ट करूंगा, क्योंकि एक ही बुक मैं आपको बताता, लेकिन जो एक बुक है हिंदी मीडियम वाला, उसका इंग्लिश वर्सन नहीं है। इसीलिए मैंने हिंदी के लिए अलग और इंग्लिश के लिए अलग दो बुक सजेस्ट किए हैं, और एक पैसा भी मुझे नहीं मिला है ये प्रमोशन करने के लिए। बिल्कुल फ्री में बता रहा हूं, ताकि आप सभी अच्छे से तैयारी कर पाओ, ठीक है। और हां, जो भी तैयारी कर रहे हैं, कम से कम ये बुक अपने पास जरूर रखिएगा, और अगर आपके अगल बगल में कोई दुकान है तो आप वहां से भी ले सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। आपको क्या करूंगा, ऑनलाइन जहां पर ये बुक मिलता है अमेजन के ऊपर, उसका लिंक दे दूंगा इस वीडियो के नीचे, वहां से जाकर आप डायरेक्ट बुक जो है वो खरीद सकते हैं, ठीक है। पहले, और हां, अभी मैं दिखा रहा हूं आप सभी को, दोनों बुक्स के नाम बता रहा हूं। पहला जो है हिंदी मीडियम वाले के लिए घटना चक्र, जिसमें प्रीवियस ईयर से, यानी मैथ का जितना भी ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम हुआ है रेलवे का, और ये एनटीपीसी वाले या फिर आपका ग्रुप डी वाले, आरपीएफ वाले, जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं, वो सब ये बुक ले सकते हैं और खरीद सकते हैं, और रखना आप, क्योंकि सॉल्व करना। एक्चुअल में आगे क्या होता है मैं बताता हूं। बहुत जन क्या होता है, बुक तो खरीद लिए भैया बोले तो, लेकिन पढ़ाई होता नहीं है। क्यों नहीं होता मैं बताऊंगा। तो ये बुक आप खरीद सकते हो, आपके सामने दिख रहा होगा घटना चक्र, बहुत लाजवाब बुक है। जिसके पास ऑलरेडी किताब है वो जानते होंगे कितना बेहतरीन बुक है ये वाला। अब इंग्लिश मीडियम वाले के लिए किरण प्रकाशन का बुक है, ये बुक आप खरीद लेना। प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें, बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए हैं। तो ये दो बुक अपने पास रखिएगा, अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ इस बुक को भी सॉल्व करिएगा। डेली टाइम बना लेना कि मुझे 2 घंटा या 1 घंटा इस बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आप सभी को पता है अभी एग्जाम होने वाला नहीं, आपके पास टाइम है, तो बिल्कुल बिना टेंशन के बुक्स लेना। अगर आपके अगल बगल कोई बुक स्टोर है वहां से ले लेना, या फिर ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं। इस दोनों बुक का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप सभी डायरेक्ट वहां से जाकर खरीद सकते हैं। अब बताते हैं होता क्या है। आपने बोला कि भैया आपने अच्छा बुक बताया, हमने खरीद लिया, बुक घर में आ गया, लेकिन एक दिन दो दिन तीन दिन नया बुक लगा, पढ़ने लगे, फिर उसके बाद बंद हो गया किताब। एक्चुअल में ऐसे एग्जाम नहीं निकलता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर कोई टीचर आपको एक अच्छा बुक मार्केट में सजेस्ट किया है, तो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा पूरे मेहनत के साथ, समझ रहे ना। आपको कैसे समझाऊं, मान लो अगर मान लो एक एक्टर है, आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अपने सपनों के पीछे भागना पड़ेगा। रात को सो भी रहे तो सपना मुझे वही दिखाई दे रहा है, यानी सही में आप उसके लिए पागल है। वैसा बनना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर एक नया अभिनेता एक फिल्म बनाता है, और उस फिल्म में एक किरदार है, अगर उसको वो अच्छे से ना निभाए, अगर उस किरदार के अंदर पूरे ढूंक कर ना निभाए, तो वो एक्टर क्या है, फ्लॉप है। वो एक्टर फ्लॉप है, अच्छा अभिनेता नहीं है। उसी तरह अगर आप एक स्टूडेंट हैं, और अगर आप चाहते एक अच्छा स्टूडेंट बनना, एक सक्सेसफुल, एक जो रिजल्ट निकालता है वैसा स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा। जैसे एक अभिनेता क्या करता है, किरदार में घुसता है, ठीक है, तो अच्छा एक्टर बनता है। अगर उस किरदार में पूरा ढुक जाए और उस किरदार को बहुत बखूबी निभाए, तो वो क्या बनता है, टॉप क्लास एक्टर। उसी तरह अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां पहुंचने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, रात दिन सपना जो देख रहे हैं अपने एग्जाम को लेकर, उसके पीछे भागना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब आप इन दोनों के बीच की दूरी को जो है वो मिटा पाएंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। आपके पास किताब भी है, अगर आप ये दो किताब को डेली 1 घंटा 2 घंटा देकर 2 महीने में सॉल्व भी कर लिए ना, उसके बाद आप देखोगे भैया मैथ के ना बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग हंसते हंसते कर दे रहे हैं। लेकिन
ये दो महीना अगर मेहनत कर दिए तो आने वाला 3-4 साल आपका ब्राइट है, आप कोई भी एग्जाम दो मैथ में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन ये 2 महीना अगर आपने मेहनत नहीं किया तो फिर ये 2 महीना अगले 2 महीना पे टाल दो, फिर अगले 2 महीना पे टाल दो, अगले 2 महीना पे टाल दो, फिर क्या होगा, जैसे ये फ्लॉप हो गया आपके आगे भी लग जाएगा फ्लॉप का टैग कि आप भी फ्लॉप हो गए, अब आप छोड़ दो, अब आपसे नहीं होगा। जब विश्लेषण करेंगे, जब एनालाइज करेंगे 1 साल के बाद अपने आप को और अपनी गलती को देखेंगे ना, तो आपको नजर आएगा, पता है क्या, आपने एग्जाम ट्राई तो किया, फॉर्म तो फिलअप किया, सपना तो देखा, लेकिन सपना भी देख लिया भैया हमें ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, भैया हमने फॉर्म भी फिलअप कर दिया, सिलेबस भी पढ़ लिया, भैया मेहनत नहीं की है अच्छे से। तो यही चीज आपको करना है, यही चीज, ठीक है। तो 2 बुक्स मैंने बताया है, अब बोलेंगे भैया जीके के लिए बताओ तो देख रहा हूं, लेकिन मैथ के लिए 2 बुक बहुत अच्छा है। अगर आप तैयारी कर रहे हो रेलवे के, तो तैयारी के साथ साथ 1 से 2 घंटा डेली टाइम निकालिए इसको सॉल्व करने के लिए, ताकि लाखों करोड़ों की भीड़ में ना आप निकल कर वहां से निखर कर आए एक सक्सेसफुल स्टूडेंट के तौर पर, समझ रहे ना। ये 2 बुक के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ना मुझे एक पैसा मिला है प्रमोशन के लिए, ना कमीशन, कुछ भी नहीं, फ्री बता रहा हूं, ताकि आप सभी पढ़ पाओ, ले पाओ, ठीक है ना।